नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करेगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि कोई भी ब्लैकमेलर आपका जब वीडियो बना लेता है, यानी कि वो किसी भी द्वारा बना हो, चाहे व्हाट्सएप से बना हो, मैसेंजर से बना हो, उसके बाद जो है आपका वीडियो बन जाता है। बनने के बाद जो है फिर आपको धमकी दी जाती है कि मैं आपका वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी या फेसबुक पर अपलोड कर देंगे या फिर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देंगे। तो कई जगह पर बोला जाता है कि आपको मैं आपकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगी और उसके बाद जो है आपका जीवन खराब हो जाएगा, पूरे जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। ऐसे कई प्रकार की आपको धमकी आती हैं। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपका वो धमकी दे रहा है, मतलब जो ब्लैकमेलर है आपका, अगर आपको वीडियो अपलोड करने की धमकी दे रहा है, तो वो जहाँ पर बोल रहा है कि मैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पर सर्च आप उसको कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि हमारा वीडियो वहाँ पर अपलोड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आज इस चीज़ की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो हुआ कुछ ये कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि मध्य प्रदेश MP से हैं और यहाँ पर इनके पास जो है एक फ्रेंड रिक्वेस्ट इनकी ही फेसबुक पर अकाउंट पर आई, जिसका नाम कोमल शर्मा है। वहाँ पर आने के बाद जो है इनकी बात हुई मैसेंजर पर, मैसेंजर से इनकी काफ़ी देर तक बातें हुई और फिर उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए, मतलब दोस्त बन गए। और फिर उसके बाद जो है इनका नंबर एक्सचेंज हुआ, ये दोनों स्विच कर गए व्हाट्सएप पर। जैसे ही व्हाट्सएप पर स्विच करें, इनकी बातें हुई, लगभग शाम तक इनकी लगातार बातें होती रहीं। और ये संडे की बात है जो जिसमें कि दोनों, मतलब दोनों के अब जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो फ्री थे और अपनी जॉब वगैरह उनकी छुट्टी थी, तो संडे के दिन उन्होंने सोचा कि चलो कहीं ना कहीं हमारा ये टाइम स्पेंड हो जाएगा अच्छे से। तो उन्होंने सोचा कि बातें हो जाए, तो इस तरह की जो है लड़की जो है इनकी, इनसे व्हाट्सएप पर बातें करती गई और बातें करते करते उसने 2-3 घंटे बाद जो है उसने कहा कि मैं आपसे वीडियो कॉल करना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ कि वाकई आप कैसे हैं, दिखने में अच्छे जैसे आके, क्योंकि फोटो बताया कि अगर आप आजकल फोटो फिल्टर हो जाती है तो किसी का चेहरा, किसी का फेस, किसी का मतलब अच्छा गोरे को काला, काले को गोरा कर देते हैं। तो उसने कहा कि मैं अगर आप ऐसे चीज़ें ऐसे तो नहीं है तो आप बेहतर है कि मैं आपको वीडियो कॉल करके देखना चाहूँगी। उसने इन्होंने जो है उन्होंने कहा ठीक है देख लो। जैसे ही उन्होंने वीडियो कॉल किया तो वैसे पहले तो उसने वीडियो कॉल में कुछ दिखाया नहीं, मतलब कुछ सीधे दीवारें दिखा दी, छत दिखा दी, पंखा दिखा दिया, लेकिन पहले शुरुआत में जो है कुछ उसने को नहीं दिखाया। उतने में फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और बोला कि मैं आपको बाद में बात करूंगी क्योंकि अभी मेरी मम्मी आ गई है। उससे पहले उसके बाद जो उन्होंने तुरंत चैट वगैरह की व्हाट्सएप पर कि आप जो है अपना प्राइवेट पार्ट भी दिखाइए, अपने बॉडी पार्ट भी दिखाइए, मैं भी आपको दिखाऊंगी और हम दोनों इंजॉय करते हैं। लड़का समझ नहीं पाया इन बातों को और उसने हाँ कह दिया। और फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद ही, कुछ समय बाद उनको फिर दोबारा से वीडियो कॉल आया और उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद जो है वो हर व्यक्ति के, कहते हैं ना, मतलब वो अपना सुध-बुध भूल जाएगा कि वाकई मैं क्या हूँ। जैसे ही लड़की ने उसने सब कुछ अपना कपड़े वगैरह उतारना शुरू किए, अपर बॉडी पार्ट शुरू दिखाना शुरू किया और वैसे ही फिर लड़का जो है एक्साइटेड हो गया और उसने भी अपने बॉडी पार्ट्स वगैरह सब कुछ दिखा दिए और उसने सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया वीडियो कॉल के दौरान ही। तो जैसे ही सब चीज़ें किए उन्होंने, वो सब चीज़ें एक जो है कैमरे में कैद हो गई और कैमरे में कैद होने के बाद उसका वीडियो बन गया। वीडियो बनने के बाद उसी वीडियो को इनके पास जब भेजा गया तो जब इन्होंने देखा कि मैं ऐसा न ऐसा हूँ मतलब, तो उसके बाद जो है इनके होश उड़ गया और ये समझ नहीं पा रहे कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इसके दौरान जो है उनके पास एक मैसेज आया थोड़ी देर बाद ही, ये बताओ इसको क्या करना है, इस वीडियो डिलीट करना है या फिर अपलोड करना है। जैसे ही ये मैसेज आया वो इंसान जो है वो समझ नहीं पा रहा कि मैं अब क्या करूँ, एकदम रोना शुरू कर दिया उसने और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया उसके बाद कि इस वीडियो को डिलीट मार दीजिए, मेरे मतलब बच्चे हैं, मैं एक शादीशुदा हूँ और मैं पूरे जीवन मेरा ख़राब हो जाएगा, ऐसे वैसे उसने कुछ जो भी उसने उनको कहना था वो सब कुछ कहा। तो उससे यही बातें उसने नोट कर लिया और वही फिर वो धमकी देने लगी, मैं तुम्हारा लाइफ ख़राब कर दूंगी और ये कर दूंगी वो कर दूंगी, ऐसे कई प्रकार की चीज़ें उनके सामने करना शुरू किया। हालांकि इन्होंने जो है इस दौरान उनको पैसा बिल्कुल भी नहीं दिया, लेकिन उसने ये धमकी जरूर दी कि मैं आपकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सब हर जगह डाल दूंगी और तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे जितने भी हैं सब लोग उसको देखेंगे और फिर उसके बाद तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। ऐसे इंसान को जो उसको इतना घबरा गया कि बहुत ज़्यादा, फिर उसने जो कहीं ना कहीं यूट्यूब पर सर्च किया और हमारा वीडियो उनको मिला और उन्होंने हमसे बात करी और हमें पूरी ये घटना बताई। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए, क्योंकि ये चीज़ कॉमन चीज़ है, क्योंकि ये वीडियो बनने के बाद जो है एक जो ब्लैकमेलर है, ऐसा स्कैमर है, वो आपको किसी ना किसी प्रकार से यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर वो वीडियो अपलोड करने की आपको धमकी देगा और उसके एवज में आपसे पैसे की मांग करेगा। और अगर आप पैसा दे देते हैं तो ये चीज़ें जो है ये कंटिन्यूटी में चलती जाती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगातार आपसे पैसे की मांग भी की जाएगी और लगातार आपसे पैसा मांगते ही रहेंगे, तब तक कब तक जब तक आपके पास वो पैसा
खत्म नहीं होगा, क्योंकि इनकी अब जो पेट है वो भरता नहीं है। ये काफी मतलब पैसा इतना आपके पास होगा भी नहीं, उससे ज्यादा लगातार कई किसी ना किसी बहाने से आपसे मांगते रहेंगे। तो बेहतर है कि आप इन सब चीजों को होल्ड पर रखें, क्लोज करें, और अपना जो वीडियो है जिसने उसने कहा था, अब देखिए मैं आपको बताऊं सर्च कहाँ कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस चीज को ढूंढ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ स्कैम हुआ है, मेरा ये अनुभव एक्सपीरियंस है, जिनका वीडियो अपलोड करने के बाद जो है उनका एक लिंक, जहाँ से वो लिंक जनरेट होता है, उस लिंक को उनके व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाता है। तो वो बहुत आसान होता है उस वीडियो को ट्रैक करना, क्योंकि अब जब लिंक आ गया तो लिंक पर क्लिक करो, सीधे वहीं स्विच हो जाए, चाहे वो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया हो, यूट्यूब पर कर दिया हो, किसी कहीं पर भी कर दिया हो। हालांकि बहुत सिक्योरिटी है यूट्यूब पर आज के टाइम में, लेकिन फिर भी इंस्टाग्राम वगैरह पर जहाँ पर अपलोड हो जाती हैं ये चीज़ें, और होने के तो कहीं पर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है तो थोड़ा सा कम अपलोड होती है, समय आने बाद वो हट जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं, इतना लिंक पर अगर क्लिक करेंगे तो वो स्विच हो जाएंगे वहाँ से, और वहाँ पर पूरी चीज़ें आपको देख सकते हैं। लेकिन जहाँ पर लिंक नहीं होता है तो फेसबुक पर बहुत सारे लोगों क्या है कि वो फेसबुक पर कैप्शन बनाती है, और बनाने के बाद वो फोटो आपका फोटो वीडियो वगैरह सब कुछ ऐड करके उसमें लिखता है कि ये लड़का जो है ये वीडियो करता था लड़कियों के साथ, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ऐसा कुछ लिख के वो स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेज दिया जाता है। तो ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो उसकी जो आईडी है, यानी कि ये फेसबुक पर आईडी है, उसके बने हुए नाम है, उस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हो सकता है कि वो वीडियो आपको कहीं ना कहीं मिल जाए, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा, सर्च करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये इस तरीके के कसते हैं। रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब पर कुछ कुछ ना कुछ चैनल आपका होगा, क्योंकि वो चैनल जिस पर डालते हैं वो अपलोड करते हैं, 30% 50% हो गए अपलोड हो गए, ऐसे होगा तो उस अपलोड की जो स्क्रीनशॉट आपको भेजते हैं, जैसे ही स्क्रीनशॉट आपको भेजते हैं तो आप उसका नाम पढ़ लीजिए, जिस चैनल का नाम है उस पर, उस नाम को अपने यूट्यूब के सर्च बार में आप वहाँ पर देखिए, वहाँ पर सर्च कीजिए उसको, और सर्च करके उसको नाम को ढूंढिए, कहीं ना कहीं आपको बहुत नीचे जाकर मिलेगा, क्योंकि इन पर कोई सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, इन पर कोई भी व्यूअर्स नहीं होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नीचे जाकर आपको मिलेगा कहीं पर, कहीं ना कहीं पर, और जहाँ मिल जाता है आप उसको देख लीजिए, उस पर रिपोर्ट कर दीजिए, या फिर कहीं पर कुछ और चीज़ मिलती है तो आप उसको उसकी जो जानकारी है या फिर उसकी सूचना है आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को भी दे सकते हैं कि मेरे साथ में इस तरीके का स्कैम हुआ, और मुझे आज जो है इस तरीके वीडियो बना के मेरा अपलोड किया जा रहा है, और मुझे स्कैम किया मतलब स्कैम में फंसा जा रहा है। तो आप इन सब चीज़ों का ये कर सकते हैं। तो ये तरीका था जिसकी वजह से आप कहीं पर भी हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कहीं पर भी आपका वीडियो वगैरह पड़ा हो तो आप उसको आसानी से सर्च कर सकते हैं। और भी कोई अगर जानकारी जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी एडवाइस जो चार्जेबल है। तो और एक हमारा और चैनल है साइबर प्रोटेक्शन के नाम से, आप उसको भी देख सकते हैं, ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी टेक्निकल चीज़ें जो वो आपको वहाँ मिलेंगी। तो आप नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका, उस पर क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।